जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी एक और खबर सामने निकल कर आ रही है। जल्द करा लो ये काम, खाते में आएंगे इतने हजार रुपए। वहीं बात करते हैं, केंद्र सरकार लघु सीमांत किसानों को सालाना 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपए दे रही है, जिसका मकसद लाभार्थियों को कृषि करने के लिए मदद करना है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत कर अब तक 10 किस्त खाते में ट्रांसफर कर चुकी है। वहीं इसमें कोई राज्यों में फर्जीवाड़े की खबर भी सामने आई है, जिससे रोकने को सरकार ने कई बड़े काम उठाए हैं। स्कीम से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। अब राशन कार्ड के बिना लाभार्थियों को योजना का कोई फायदा नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर देना होगा। आप खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र की कॉपी जमा करनी होगी। जरूरत नहीं है अब दस्तावेज की DF फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वहीं बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जिसके तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में आते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें। हम आप लोगों को रोज डेली हरियाणा की लेटेस्ट खबरें बताते रहेंगे।